मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2023 इसकी तैयारी के लिए आज प्रस्तुत है हमारा एपिसोड नंबर थ्री पहला क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका उज्जैनी और इसके साथ कनक श्रंगा तीन नाम है इसके अवंतिका नाम क्यों पड़ा क्योंकि ये पहले एक अवंती जनपद के अंतर्गत नगर आता था और बाद में राजधानी बन गई थी उज्जैनी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो महादेव हैं उन्होंने एक असुर को पराजित किया था तो पराजित करने के कारण उज्जैनी नाम इसका पड़ा और अवंती जनपद के अंतर्गत होने के कारण इसका नाम अवंती का था यहाँ का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है नेक्स्ट ऐ मध्य प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं सिटी ऑफ जॉय भारत में पूछते हैं तो ये अलग होता है लेकिन मध्य प्रदेश का पूछा गया है तो मध्य प्रदेश में मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है ये क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर एक्चुअल में तो राज्य जो है परमार वंश का रहा लेकिन मुगल लोगों को भी ये स्थान बहुत पसंद था और इसलिए उन्होंने इसका नाम शादियाबाद रखा और शादियाबाद का हिंदी अर्थ होता है आनंद की नगरी जिसे हम इंग्लिश में सिटी ऑफ जॉय कह सकते हैं जहाज महल भी यहीं पर ही स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है केवटी कुंड गुफा कहाँ स्थित है केवटी कुंड गुफा तो केवटी कुंड या केवटी फॉल जो है वो रीवा में है और ये हालांकि सबसे बड़ा जलप्रपात नहीं ही है ये कई बार केवटी जलप्रपात के बारे में या केवटी फाल के बारे में सुन के ऐसा लगता है कि ये क्यों पूछा जा रहा है तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि केवटी नहीं है सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है या जलप्रपात है वो है बहटी अब ये केवटी का नाम केवटी क्यों पड़ा क्योंकि के का अर्थ होता है पानी और वटी का अर्थ है धारा पानी की धारा और जो होती है जलधारा या आ, जिसे हम कहते हैं जलप्रपात इसलिए इसका नाम केवटी है और ये कहाँ है रीवा ज़िले में होटल पलाश ये आ, कोई टूरिज़्म प्लेस नहीं है लेकिन पर्यटकों लोग यहाँ रहने जाते हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ही होटल है और जिसे पलाश रेजिडेंसी भी कहा जाता है ये भोपाल में स्थित है माधवगढ़ का किला कहाँ है ध्यान रखने वाली बातें माधवगढ़ अलग है और माधोगढ़ अलग है यहाँ पर माधवगढ़ का किला पूछा है जो कि मध्य प्रदेश में है और ये मेहर में है स्थान का नाम है मैहर गांव है जो और ये आता है सतना जिले के अंतर्गत लेकिन इस किले की विशेषता ये है कि इसे आप सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं इस किले में अंदर जाने की अनुमति नहीं है मध्य प्रदेश का मुंबई किस शहर को कहा जाता है मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर को कहा जाता है क्योंकि यह मुंबई की तरह ही डेवलप हो रहा है लोग यहाँ पर अपनी सर्विस की तलाश में नौकरी की तलाश में आते हैं और यहीं पर आकर बस जाते हैं एक और बात है जैसे जो मुंबई के लोग हैं वो अपने आप को मुंबईया कहने में गर्व करते हैं महसूस करते हैं इसी तरह इंदौर के लोग भी अपने आप को इंदौरी कहलाना बहुत पसंद करते हैं तो ये है हमारे मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर शहर गुजरी महल संग्रहालय कहाँ हैं गुजरी कौन थी तो गुजरी एक राजा मानसिंह तोमर की जो पत्नी थी उन्होंने अपनी उनकी पत्नी का नाम तो एक्चुअल में नैनी था लेकिन वो गुज्जर जनजाति की थी तो उन्होंने अपने लिए एक अलग से महल की मांग की थी राजा से और उन्होंने कहा था कि वो जो अपना उनका मायका था कि वहीं से जो है जल आना चाहिए और उसी से वो नहाएंगी तो गुजरी रानी के लिए जो राजपूत राजा थे राजा मान सिंह तोमर उन्होंने उनके गांव से पच्चीस किलोमीटर दूर पर एक महल बना दिया था और ये महल था गुजरी महल और इस ये आज एक संग्रहालय में तब्दील हो चुका है और ये गुजरी रानी के गांव से पच्चीस किलोमीटर जो ग्वालियर शहर है उससे पच्चीस किलोमीटर दूर था तो गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में ही है और रानी का नाम लेकिन गुजरी नहीं है गुज्जर उनकी जाति थी रानी का नाम मृगनैनी था और वो उन्होंने अलग से महल बनवाया था ये याद रखने वाली बात तो है भरतहरी की गुफाएं कहाँ स्थित है भरतहरी की गुफाएं तो उज्जैन में स्थित हैं लेकिन ये भरतहरी हैं कौन भर्तहरी उज्जैन के राजा हैं और राजा रहे हैं और ये राजा विक्रमादित्य क्योंकि विक्रमादित्य को सब जानते हैं इसलिए विक्रमादित्य के ही भाई थे ये और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे असल में इनकी कहानी भी बड़ी विचित्र है जो राजा भरतहरी थे ये इनको भी बड़ा राज ऐसा नहीं है कि ये सन्यासी बनने के शौकीन थे इनको भी राजा बनना बड़ा पसंद था और जब इनके फादर की डेथ हुई तो भरतहरी को ही राजा बनाया गया लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी की बेवफाई देखी इसकी एक स्टोरी है कि एक्चुअल में राजा के दरबार में एक साधु आता है और एक वो फल देख के कहता है कि इस फल को जो खाएगा वो अमर हो जाएगा तो राजा वो फल अपनी पत्नी को दे देते हैं पिंगला को क्योंकि उससे वो बहुत प्यार करते हैं लेकिन पिंगला ने क्या किया वो फल एक सेनापति को दे दिया क्योंकि वो उससे प्यार करती थी सेनापति ने वो फल नर्तकी को दे दिया क्योंकि वो उसके यहाँ आया जाया करते थे लेकिन नर्तकी ने सोचा कि ये फल खा के मैं क्या करूँगी मेरी कौन सी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है जो मैं अमर होने का सोचूं इससे तो राजा को दूं तो राजा अमर रहेगा तो राज्य को भला होगा तो वो राजा के पास देने चली जाती है जब राजा को के सामने वो फल आता है तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये फल मैंने तो पिंगला को दिया था और ये वहाँ से होता हुआ कैसे पहुँचा तो जब उन्होंने पता किया तो पिंगला ने पूरी सच्चाई उगल दी और जब उनको पता चला कि उनकी पत्नी उनसे प्यार न करके किसी और से करती है तो फिर उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया और वैराग्य धारण कर लिया तो ये जो भर्त हरी थे ये यहीं पर उज्जैन में गुफाएं बनाकर रहने लगे थे गोहत का किला कहाँ है गोहत का किला है भिंड जिले की गोहत तहसील में इसका निर्माण भी महाराजा मानसिंह ने कराया था इसमें सबसे बड़ी विशेषता है गोहत का किला क्यों फेमस है क्योंकि ये एक ऐसा किला है जहाँ पर आ आज के संदर्भ में हम देखें तो चीज़ें भले ही जो सरल लगती हैं कि पानी ठंडा करना गर्म करना या फिल्टर करना लेकिन सोलहवीं शताब्दी में भी इस किले में पानी ठंडा भी होता था गर्म भी होता था और यहाँ तक कि पानी को स्वच्छ करना या फिल्टर करने की भी सुविधा उपलब्ध थी पांडव प्रताप कहाँ है पांडव प्रताप तो वो पन्ना जिले के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है और ऐसा माना जाता है कि पांडव ने अपने वनवास का एक हिस्सा यहाँ पर भी बिताया था तो इसलिए यहाँ पर ये जो वाटरफॉल है इसका नाम है पांडव प्रपात तो ये आपके दस प्रश्न हमने इस एपिसोड में लिए हैं और इनके इससे संबंधित जो भी जानकारी संभव है वो हमने आपको दी है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाए तो आप ज़रूर याद रखें क्योंकि कोई भी पर्यटक स्थल के बारे में जब भी पूछा जाता है तो या तो उसके बारे में डायरेक्ट नाम पूछना होता है तो वो उससे संबंधित जानकारी बताते हैं और आपको उसका नाम बताना होता है या फिर उसका जिला भी पूछा जाता है या ऐसा भी होता है कि चित्र बताकर भी पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का चित्र है ये कौन सा स्थान है ये बताइए तो आपको पूरी तैयारी करके रखनी है इसलिए हमने एक प्रश्न से संबंधित जो भी जानकारी हो सकती थी वो सब एक साथ ली है आप इसी तरह से तैयारी करते रहें शीघ्र ही हमारा अगला एपिसोड भी आएगा और सत्ताईस के पहले हम आपको पूरी तरह से पर्यटन क्विज़ की तैयारी करवा देंगे थैंक यू